क्लाइंट्स आती है और उनका एक मेन क्वेश्चन होता है कि मैम क्या हम स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्या हम बल्की तो नहीं दिखने लग जाएंगे, हमारे मसल्स तो नहीं बन जाएंगे, क्या हम मेंस की तरह तो नहीं दिखने लग जाएंगे। कि बहुत सारी औरतों के मुताबिक तो वजन या वेट सिर्फ आदमी लोग ही उठाते हैं। सो इट्स हाई टाइम टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप दैट वुमेन शुडंट लिफ्ट वेट्स एंड आई एम हेयर टू ब्रेक दैट मिथ। बहुत सारी लेडीज का ये मिसकंसेप्शन है कि वेट ट्रेनिंग से मसल्स बन जाते हैं या हम मैनली दिखने लग जाते हैं। ऐसा शायद आपका भी विचार हो सकता है, मगर क्या आप जानते हैं कि 30s, 40s, 50s में हम हमारी बोन्स की, हमारी मसल्स की डेंसिटी वीक होती रहती है, तो हमें वेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी होता है। इस एज में अगर आपको लॉन्जिविटी चाहिए तो आपको मसल्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्दी मसल्स हमें हेल्दी लाइफस्टाइल भी देते हैं। और एक सर्टन एज के बाद अगर आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो कुछ बीमारियां आपको लग सकती है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया या बोन डेंसिटी वीक होके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। क्योंकि फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग योर पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के टाइम में आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने लग जाएगा, तो उस दौरान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। बोन्स को हेल्दी रखने के साथ साथ वेट ट्रेनिंग आपके गट को भी हेल्दी रखता है, क्योंकि आफ्टर 40s आपके जो स्टमक का माइक्रोफ्लोरा होता है विच इज गुड बैक्टीरिया, वो बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट करने लग जाता है, तो वेट ट्रेनिंग उसको सपोर्ट करके स्ट्रेंथनिंग बढ़ाता है और बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द फीमेल नॉट टू लीव योर वर्कआउट, स्पेशली योर स्ट्रेंथ एंड वेट ट्रेनिंग, क्योंकि इसके बेनिफिट्स के साथ साथ ये आपके पेल्विक एरिया को भी स्ट्रॉन्ग करता है, मूड को भी अपलिफ्ट करता है और सारे बॉडी के स्ट्रेस को भी लो करता है। सो इमिडिएटली स्टार्ट योर वेट ट्रेनिंग एंड बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपकी बॉडी बल्की हो जाएगी। सो स्टे एम्पावर्ड, स्टे एक्टिव एंड फॉर मोर सच हेल्थ टिप्स डेफिनेटली फॉलो, सब्सक्राइब एंड फॉर कस्टमाइज्ड काउंसलिंग और डाइट प्लान यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच।